जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज एक जो आपका स्क्वायर पजल है उसको आज करेंगे और उस स्क्वायर पजल को करने की सही अप्रोच जानेंगे। आज बैंक पीओ का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए और ये क्वेश्चन है आपका और इसको बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो पॉज करके इसको बनाने की कोशिश की होगी। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आठ व्यक्ति हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से चार कोनों पर बैठे हैं जबकि चार भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। जो कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख किए हुए हैं जबकि जो भुजा के मध्य बैठे हैं वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जो एक स्क्वायर है उसमें क्या है कि चार कोने और चार मध्य में बैठे हैं। कोने वाले कहाँ बैठे हैं? बाहर की ओर देख रहे हैं। और जो बीच वाले हैं वो कहाँ देख रहे हैं? अंदर की ओर देख रहे हैं। तो देखिए हम पहले बना लेते हैं, तो ये स्क्वायर ले लेते हैं, एक ये अंदर की तरफ और जो कोने में बैठे हैं वो बाहर की तरफ। एक और कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ हाँ यहीं पे ले लेते हैं, बीच में ये बाहर की तरफ, ये क्या हो गया? बाहर की तरफ। अब हम कंडीशन पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है कि भुजा के मध्य बैठे हैं, केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं, उनमें से प्रत्येक विभिन्न आयु के हैं, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। क्या क्या है? 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18। क्या है? 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है कि उनको विभिन्न रंग पसंद है, जैसे काला, नीला, हरा, गुलाबी, जामुनी, लाल, सफ़ेद और पीला पसंद है। लाल और जामुनी पसंद करने वाले व्यक्ति ओ के निकटतम पड़ोसी है। तो अब हमारी कंडीशन आ गई है, तो क्या बोल रहा है कि ओ के निकटतम पड़ोसी कौन है? लाल और जामुनी, जामुनी, लाल और जामुनी वाले कौन है? इसीलिए मैंने ओ के देखिए दोनों तरफ रख दिया, इधर लाल इधर जामुनी, चाहे इधर लाल चाहे इधर जामुनी। तो इससे पता क्या चल रहा है कि ओ के निकटतम पड़ोसी कौन है? लाल और जामुनी है। आगे पढ़ते हैं, लाल और जामुनी और निकटतम पड़ोसी। एल एम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जिसकी आयु एक सम संख्या है। तो एल जो है एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और इसकी आयु क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर क्या है? एज है, इवन एज है। एल एम के बाएं, कंडीशन देखिए कैसे लिख रहे हैं, एम के बाएं तो तीर का निशान इधर देंगे, बाएं कैसा? पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? एल। और एम कैसा है? इवन एज का है, सम संख्या एज का है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वह जो ए एल की ओर उन्मुख है हरा रंग पसंद करता है। एल की ओर जो उन्मुख है वो हरा रंग पसंद करता है। इस लाइन का दोस्तों मतलब समझिए, एल की ओर उन्मुख है, एल की ओर का मतलब क्या हो गया कि दोनों उन्मुख है, तो मतलब आमने सामने देख रहे हैं। तो इसका मतलब है आमने सामने कब देख सकते हैं? जब वो बीच में बैठेंगे। देखिए यही दोनों, ये दोनों आमने सामने, अगर मैं मान लीजिए एल को यहाँ हरा यहाँ बैठा देता हूँ, क्या ये आमने सामने देख पाएंगे? क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि इनका मुँह कहाँ है? बाहर की ओर है। इनका मुँह कहाँ? बाहर की ओर। इसमें बोल रहा है कि एल के सामने जो बैठा है हरा जो बैठा है वो क्या है? उसके उन्मुख है। उन्मुख का मतलब आमने सामने है। तो इसका मतलब है L चाहे यहां रख लीजिए, यहां रख लीजिए, यहां यहां कहीं भी आप रख सकते हैं, तो L और हरा क्या हो जाएगा? आमने सामने हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो वर्गाकार मेज के कोने पर बैठा है उसकी आयु उस व्यक्ति की आयु की दुगनी है जो कोने पर बैठे उस व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है जो कोने पर बैठा है, किसी भी कोने पर बैठा है, उसके जो बाएं बैठा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस कोने पर बैठा है, इसके जो बाएं बैठा है उसका ये दुगनी एज का है। उसका क्या है? ये दुगनी एज का है। तो हम इस कंडीशन को कैसे नोट करेंगे? जो कॉर्नर वाला है उसके जो जस्ट बाएं बैठा है वो इसके, ये अगर x है तो ये किसका है? ये 2x हो जाएगा। मतलब ये x एज का है तो ये 2x हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप दुगना देख लीजिए क्या क्या है।
5 और 10, 9 और 18, मतलब या तो ये 5 का होगा ये 10 का होगा, या फिर ये 9 का होगा ये 18 का होगा। देखते हैं हम आगे कुछ पता चल जाए जो कोने बैठा है उस व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। क्यू की आयु 5 है, क्यू की आयु 5 है और पी की आयु एक अभाज्य संख्या है। तो क्यू की आयु क्या है 5 है और पी की जो आयु है एक ऑड नंबर है, अभाज्य संख्या जो अपने जो सिर्फ अपने आप से भाग हो सकती है। तो अपने आप से भाग होने वाली कौन सी संख्या है 5 और 7, 5 और 7 ये अभाज्य संख्या है। बाकी सब देखिए किसी न किसी से भाज्य संख्या का मतलब होता है किसी न किसी से भाग हो, अभाज्य का मतलब क्या होता है जो सिर्फ अपने आप से भाग हो। तो 5 और 7, 5 अगर क्यू की अगर 5 है तो फिर ये पी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा 7 वर्ष का हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, के एन के विपरीत बैठा है, के एन के विपरीत बैठा है जिसे नीला रंग पसंद है। जो के जो है क्या है एन के विपरीत बैठा है, के एन के विपरीत बैठा, देखिए विपरीत बोल दिया तो आप कहीं भी बैठा सकते हैं, इधर 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 या तो इधर या इधर इधर कहीं भी बैठा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिसे क्या पसंद है नीला पसंद है, तो एन को क्या पसंद है नीला पसंद है, के एन के विपरीत बैठा है जिसे नीला रंग पसंद है, जिसे नीला रंग पसंद है। वह जो काला रंग पसंद करता है उस व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जिसे सफ़ेद रंग पसंद है। तो मतलब काले वाले को सफ़ेद के दाएं दूसरा बैठता है, तो पहला सफ़ेद और दूसरा काला, काला वाला जो है उसने कहा सफ़ेद के दाएं दूसरा बैठता है, सफ़ेद के दाएं दूसरा बैठता है। आर की आयु क्यू की आयु का दुगना है, मतलब आर की आयु क्यू क्या क्यू की आयु 5 है तो आर की आयु क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्यू की आयु का दुगना है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है दुगना है, क्यू की आयु का दुगना है लेकिन दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आर और क्यू क्या हो जाएंगे आसपास में नहीं बैठेंगे, आर और क्यू आसपास में नहीं बैठेंगे। उसके बाद जिसे लाल रंग पसंद है उसका निकटतम पड़ोसी है जिसे हरा रंग पसंद है लेकिन वह एम नहीं है। तो लाल और हरा एक दूसरे के पड़ोसी हैं लेकिन हरा वाला जो है वो एम नहीं होगा, हरा वाला क्या नहीं होगा एम नहीं होगा। पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर, पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, पी जो है आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये हो गया आर, आर के बाएं से दूसरा, पहला दूसरा, पी जो है आर के बाएं से कहाँ बैठा है दूसरे स्थान पर बैठा है। उसके बाद बैठा है एन उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है जिसे गुलाबी रंग पसंद है। तो गुलाबी के बाएं दूसरा कौन बैठा है एन बैठा है, गुलाबी के बाएं दूसरा कौन बैठा है एन बैठा है। कहाँ गया जिसे गुल एन उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे गुलाबी रंग। एम की आयु पी की आयु और जामुनी रंग पसंद करने वाले व्यक्ति की आयु का योग है। तो मतलब एम की जो आयु है पी की आयु प्लस जिसके जामुनी रंग पसंद है उसके बराबर है, किसकी आयु एम की आयु बराबर है, पी प्लस जामुनी की आयु किसके बराबर है एम के बराबर है। उसके बाद क्या है कि के की आयु क्यू की आयु का गुणज है, मतलब क्यू जैसे क्यू के मल्टीपल में है 5 के मल्टीपल में के की है, तो 5 के मल्टीपल में क्या है सिर्फ एक 10 है और एक 15 है, तो 10 तो आर की हो गई तो के की क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, तो के की आयु कितनी हो गई 15। देखिए क्यू के गुणज में, गुणज का मतलब होगा मल्टीपल में, तो क्यू की आयु जब 5 है तो उसका मल्टीपल क्या है 10 और 15, तो 10 तो आपको आर की दे ही दी है तो के की क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। उसके बाद वह जिसकी आयु काला और पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति की आयु के योग के बराबर है कोने पर बैठा है, मतलब काला प्लस पीला इज इक्वल टू कॉर्नर, जो भी कॉर्नर पर बैठा है वो काले और पीले के बराबर उसकी आयु का योग है। तो देखिए ये आपकी कंडीशन हो गई, अब इसके हिसाब से हम चलेंगे। तो हमारे लिए बेस्ट कंडीशन कौन सी होगी एल और हरे हरा वाला, क्यों, क्योंकि इसमें हमको दिशा का पता है कि वो दोनों कहाँ बैठे हैं, मतलब सेंटर में बैठे हैं। तो देखिए हम रख लेते हैं यहाँ पे रखते हैं एल और एल के सामने क्या है हरा, तो यहाँ रख लेते हैं हरा, एल के सामने क्या है हरा। अब देखिए
एल और एम के बीच में कितने हैं, दो हैं, एम के बाएं से, तो देखिए एम के बाएं से एल को रखना है, तो दो दो छोड़ के, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे रख सकते हैं और एक दो छोड़ के यहाँ पे, अगर आप यहाँ एम रखते हैं तो एम के दाएं एल हो जाएगा, तो आपको एम कहाँ रखना पड़ेगा, एम यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसमें भी रख लेते हैं, ये हरा, ये एल, और यहाँ पर एम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम इवन एज का है लेकिन हमें पता नहीं है तो बाद में देख लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एल एम हरा हो गया। अब देखिए के और एन आमने सामने हैं, के और एन, और कुछ है क्या, देखिए अब देखिए यहाँ पे ये हरा हो गया, यहाँ देखिए लाल और हरा, लाल और हरा क्या है, पड़ोसी हैं। तो देखिए लाल और हरा पड़ोसी हैं, तो हरा जब यहाँ पे, तो लाल यहाँ भी आ सकता है और लाल यहाँ भी आ सकता है, इसमें भी इसी तरह लाल यहाँ भी आ सकता है और लाल यहाँ भी आ सकता है। तो हम एक एक बार दोनों जगह रख लेते हैं, एक बार लाल को यहाँ रख लेते हैं और एक बार लाल को यहाँ रख लेते हैं, एक बार लाल को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है एम हरा नहीं है, तो एम तो वैसे भी हरा नहीं है। उसके बाद देखिए, ओह सॉरी, यहाँ पे लाल तो रख ही लिया था, लाल को यहाँ रख लेते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि लाल ओ जामुनी, मतलब लाल के बगल में ओ होना चाहिए, फिर उसके बगल में, क्योंकि ओ जो है लाल और जामुनी दोनों के बगल में, इसका मतलब लाल और जामुनी के बीच में, तो यहाँ हो जाएगा आपका ओ, यहाँ पे हो जाएगा जामुनी, यहाँ क्या हो जाएगा, जामुनी। तो इसी तरह यहाँ पर, यहाँ पर आपका हो जाएगा ओ और यहाँ पर हो जाएगा जामुनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जामुनी, यहाँ क्या हो जाएगा, जामुनी हो जाएगा। अब देखिए अभी कौन कौन सी कंडीशन हो गई, एक ये वाली हो गई, ये हो गई, जो जो हो गई मैं उसे मिटा देता हूँ, ये हो गई लाल जामुनी ओ हो गई, ये एक ये लाल हरा एम हो गई, बस एम इवन है अभी, ये नहीं हुआ तो उसको रहने देते हैं, उसके बाद ये रह गए, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, के के सामने एन और एन नीला होना चाहिए। देखिए अब मतलब के और एन आमने सामने होने चाहिए। अब देखिए कहाँ कहाँ आप के रख सकते हैं, अगर आप खाली जगह देखिए के यहाँ रखते हैं तो यहाँ एन आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ एल है। अगर आप के यहाँ रखते हैं तो एन यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जामुनी है, क्या है, जामुनी है, तो आपको या तो के यहाँ रखिए, तो के और एन यहाँ हो सकता है, के यहाँ रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि के यहाँ रखिएगा तो एन यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ ओ है, के यहाँ भी नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है, इस केस में अगर के आप यहाँ रखते हैं तो एन यहाँ आएगा, लेकिन एन नीला होना चाहिए, तो मतलब के यहाँ नहीं रख सकते, तो के कहाँ रखना पड़ेगा, के यहाँ पर रखना पड़ेगा, एन यहाँ पर रखना पड़ेगा, और एन क्या है, नीला है। अब इसमें भी सेम देखते हैं, इसमें क्या है, के यहाँ रखते हैं तो एन आ सकता है, नहीं आ सकता, यहाँ एल है, यहाँ के रखते हैं तो यहाँ एन आ सकता है, आ सकता है, यहाँ के रखते तो एन आ सकता, नहीं आ सकता, के यहाँ रखते तो एन आ सकता, नहीं आ सकता, तो मतलब के कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ हो जाएगा के, यहाँ हो जाएगा एन, और एन क्या है, नीला है, एन क्या है, नीला है। तो ये कंडीशन भी हो गई आपकी, इसको हटा देते हैं, ये कंडीशन हो गई। अब देखिए अब क्या है, और एन से रिलेटेड है कोई, हाँ देखिए गुलाबी के बाएं एन है, गुलाबी के एक छोड़ के क्या है, एन है, तो देखिए यहाँ यहाँ एन है, अगर गुलाबी यहाँ रखेंगे तो इसके बाएं हो सकता है एक छोड़ के, अगर इधर तो जामुनी है तो इधर रख ही नहीं सकते, तो गुलाबी कहाँ आएगा, एक छोड़ के यहाँ पर आएगा गुलाबी, गुलाबी। अब देखिए गुलाबी के बाएं एन हो गया, अब इस केस में देखते हैं, तो गुलाबी के बाएं एक छोड़ के यहाँ तो लाल है, तो यहाँ गुलाबी रखना पड़ेगा, यहाँ रखते हैं गुलाबी, तो ये क्या हो गया, गुलाबी के बाएं एन हो गया, गुलाबी के बाएं क्या हो गया, एन हो गया। तो आपकी ये कंडीशन भी हो गई, ये भी हो गई। अब क्या रह गया है, और अब देखिए क्या है, आर आर के बाएं क्या है, पी है, आर के बाएं पी है, तो आर देखिए कहाँ कहाँ रख सकते हैं, आर एक यहाँ पे रखिएगा तो आर के बाएं पी आ सकता है, अगर आप यार आर देखिए जगह कौन कौन सी खाली है, एक दो और ये तीन खाली है, तो हम पहले यहाँ रखें, आर के बाएं पी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, आर यहाँ रखते तो आर के बाएं पी हो सकता है, नहीं हो सकता है, यहाँ रखिए आर के बाएं पी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो खाली हमारे पास एक यही कंडीशन बची है, तो यहाँ पर हम आर को रख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा आर, आर के बाएं यहाँ क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, आर की आयु दी हुई थी 10, पी की आयु कितनी हो गई, 7 थी, यहाँ 7 रख देंगे, और
हो गई। इसी तरह देखिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे देखिए आर के लिए जगह क्या है, अगर यहाँ आर रखते हैं तो यहाँ पी आ सकता है, ठीक है, यहाँ आर रख सकते हैं तो पी यहाँ नहीं आ सकता है, और कहीं कोई जगह खाली है, और कोई जगह खाली नहीं है तो आप यहाँ पे सीधे आर रख दीजिए, आर, आर के बाएं पी, पी क्या है 7 साल का है, 7 साल का, आर कितना है 10 साल का। अब आपके पास सिर्फ एक क्यू बच गया ना इसमें, एम आर एन ओ पी के एल, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, क्यू कितने का है 5 साल का है, क्यू कितने का है 5 साल का, इसमें यहाँ पे भी आपका क्यू बच गया, तो क्यू कितने का है आपका 5 साल का, क्यू कितने का है 5 साल का। अब उसके बाद देखिए अब क्या बच गया है, एक ये वाली भी कंडीशन आपकी हो गई पी आर वाली, और ये तीनों भी हो गई। देखिए आर क्यू बोला है पास में नहीं होना चाहिए, तो आर इधर क्यू इधर है, आर इधर है क्यू इधर है, तो ये भी पास में नहीं है, तो ये भी हो गई। अब सफ़ेद के दाएं एक छोड़ के काला होना चाहिए, तो देखिए कहाँ कहाँ जगह खाली है, एक ये जगह खाली है तो आप सफ़ेद के दाएं काला रख सकते हैं, अगर यहाँ सफ़ेद रखते हैं तो सफ़ेद के दाएं काला यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, और अगर यहाँ सफ़ेद रखते हैं तो और कहीं नहीं, बस एक ये जगह, एक ये सफ़ेद काला, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि सफ़ेद के दाएं काला, एक सफ़ेद यहाँ तो इसके दाएं काला इधर, सफ़ेद के दाएं काला इधर, दोनों आ सकता है, ठीक है। और कुछ रह गया क्या, अब देखिए इसमें क्या है, P प्लस जामुनी बराबर M होना चाहिए, तो P कितना है यहाँ पे, P 7 और जामुनी 5, सो 7 5 12, 7 और 5 12, तो 12 इवन नंबर भी है, तो यहाँ पे हम 12 रख सकते हैं, तो ये 12 रख देते हैं, ये 12। इसमें देखते हैं पी प्लस जामुनी, जामुनी के कितना था, के 15 था, तो ये 15 7 22, 22 कोई एज ही नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी गलत हो गई, एम की एज 22 हम रख ही नहीं पाएंगे, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी गलत हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई गलत हो गई। अब देखिए देखिए क्या बोल रहा है कि जो भी कॉर्नर पे बैठा है उसके जो बाएं जस्ट होगा उसका वो दुगना होगा, तो देखिए आप देखिए कॉर्नर पे ये 12 है, तो इसका अगर कोई बाएं बैठने वाला होता तो वो 6 का होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, ये अगर ये 5 का है, ये 5 का है तो 2.5 तो होगा नहीं, तो कॉर्नर पे एक ये बैठ बच गया, के देखिए के 15 साल का था, यहाँ पहले 15 लिख लीजिए, आपके पास एज कौन कौन सी बच गई, एक 18 बच गई और एक 9 बच गई, तो देखिए कॉर्नर वाला दुगना है तो ये 18 का हो जाएगा और ये 9 का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 18 का, ये 9 का। आपकी एज कौन कौन सी बची हुई है पहले ये देख लेते हैं, 15 हो गई, 7 हो गई, 5 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, क्या बची है 12 और 8 बची है, क्या बची है 12 और 8, तो अगर मान लीजिए 12 भी हो गई है, 10 भी हो गई है, सिर्फ एक 8 और 18 भी हो गई है, तो क्या बचा है 8 बचा हुआ है, नहीं यार वो कि कुछ तो एक बचा है, एक 8 बचा है, 10 हुई है क्या, 10 भी नहीं हुई है, 10 था ना वो आर, आर 10 था, हाँ 10 12 7 15 5 9, सिर्फ एक 8 बचा हुआ है, ठीक है। अगर ये ओ कितना का हो गया, 8 का हो गया, ओ कितना हो गया, 8 हो गया, तो अगर हम 9 8 17 काला, अगर हम सफ़ेद के दाएं काला रखेंगे तो हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ सफ़ेद के दाएं काला रखेंगे, यहाँ मान लीजिए यहाँ सफ़ेद रखते हैं, यहाँ काला रखते हैं, तो ये तो रख सकते हैं, सफ़ेद के दाएं काला हो जाएगा, और अब बच गया क्या पीला कलर, तो यहाँ पे पीला रखना पड़ेगा, तो 9 और 8 17, काला और पीला कॉर्नर की, तो देखिए 9 8 17 17 तो कहीं वैल्यू भी नहीं है, इसका मतलब है सफ़ेद और काला आप यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ रखना पड़ेगा आपको सफ़ेद, यहाँ पे रखना होगा काला, काला क्योंकि काला और पीला जोड़ के कितना होना चाहिए था कॉर्नर वाली वैल्यू, तो ये हो गया काला आपका, ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा पीला हो जाएगा, जब आप यहाँ पर सफ़ेद काला रख रहे थे तो ये पीला हो रहा था, तो देखिए काला यहाँ अगर यहाँ पे काला हो जाता तो पीला 9 9 और 8 17, तो 17 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कॉर्नर पे आती नहीं, तो अब काला प्लस पीला 10 और 8 18, तो देखिए कॉर्नर वाले की वैल्यू है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो क्या क्या हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये थोड़ा सा आज ये बैंक पीओ का हाई लेवल का क्वेश्चन था, तो दोस्तों आप इसी तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम करीब आने वाले हैं, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।